दोस्तों एक्चुअली आज हम खाने वाले हैं मुर्गी के स्किन। छामुन में रह रहा हूँ करीब एक साल हो गया। बहुत दिनों से मन कर रहा था बाम्बू के अंदर चिकन बना कर खाऊं, जिसे बाम्बू शॉट भी कहते हैं और बाम्बू छामुन में अवेलेबल है और बहुत आसानी से मिल जाता है, पर टाइम में बाज़ार में जाना पड़ता है, नहीं तो बाम्बू नहीं मिलता। और हमें भी एक दादा ने फ्री में दे दिया क्योंकि हम बहुत लेट बाज़ार गए थे, लोगों ने सारे के सारे खरीद लिया था। तो थैंक्स उस दादा को। और आप जो कोई बाम्बू से पका नहीं पाओगे, ये अलग टाइप के बाम्बू होते हैं जो हमारे लैंग्वेज में मृतिंगा कहते हैं, उसी में पकाया जा सकता है। वैसे तो मुर्गी के स्किन खाना बहुत आसानी लगता है और मीट से भी ज़्यादा सस्ते में मिल जाता है, पर बनाने में वाट लग जाता है। गर्म पानी से भिगाकर पंखे को हटाना पड़ता है और ये काम आसानी नहीं है। एक मुर्गी के स्किन सही तरीके से साफ करने में आधा घंटा लग जाता है। फिर बॉनफायर में बचे हुए छोटे छोटे पंख को आग से जलाकर साफ करना पड़ता है। आपको हल्दी लगाकर आग में साफ करना है ताकि आग में जलते हुए स्मेल ना आए और स्किन काला ना हो। फिर अच्छे तरीके से धोना पड़ता है, फिर जाकर स्किन में मसाला मिक्स करके पकाना पड़ता है। और आप इसमें जो कोई भी सब्जी हो दे सकते हो। फिर केले के पत्ते से ढक्कन बनाना पड़ता है ताकि बॉयल होने में दिक्कत ना हो और आग को धीमे आंच में पकाना पड़ता है, नहीं तो बाम्बू जल जाएगा, मतलब भास जल जाएगा। फिर पक जाने के बाद बहुत अच्छे से खुशबू निकलते हैं और खाने के लिए हो जाता है रेडी। यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी। क्या बोलते हैं?